गाजीपुर से आनंद कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। सुहेल देव, समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क। गाजीपुर विधानसभा जखनिया 373 क्षेत्र के प्रत्याशी में लगातार भ्रमण कर रहे हैं सुहेल देव। समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सीट पर सुहेल देव पार्टी के प्रत्याशी बेदी राम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जलालपुर जौनपुर के द्वारा लगातार गांव में घूम करके मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं और सुहेल देव पार्टी के पक्ष में मतदान कर ओम प्रकाश राजभर एवं अखिलेश राजभर जी के हाथों को मजबूत करके सत्ता में लाने के लिए किले संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जनसंपर्क करते हुए ग्राम उस पंचायत कटिया में भाजपा के प्रदेश सलाहकार सुदामा दादा सरोज राजभर, प्रदेश महासचिव युवा मंच पीयूष कुमार, अजय कुमार, हरिओम तिवारी, सुनील कुमार आलम, राहुल सलीम, विकास श्याम, जीत राजभर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा रामविलास राजभर, कुबेर राजभर, शिवपूजन राजभर, दूधनाथ राजभर, रघुनंदन राजभर, रहमान विनय सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आइए मिलते हैं हम इसमें विधानसभा का चुनाव जोर शोर से पकड़ा हुआ है और इसी क्रम में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जनसंपर्क के दौरान मुलाकात हुई है। क्या नाम है सर आपका? सर मैं 373 विधानसभा जखनिया गाजीपुर प्रत्याशी श्री बेदी राम जी के प्रचार प्रसार में चल रहे। हमारा नाम अजय जी है। अच्छा, तो आप लोग प्रचार प्रसार में बताया जा रहा है कि आपके और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी गया। जी जी, गठबंधन। तो कितने सीटों पर लगभग है सर? हमारे पार्टी पे, हमारी समाजवादी पार्टी से लगभग 8 सीट। अच्छा, गाजीपुर जिले में कितने सीटें आपके गठबंधन में? टोटल 17 सीटें हैं जी। और गाजीपुर जिले में हम 2 सीटों पर गठबंधन है। कौन कौन सीट है? जहूराबाद, जखनिया। तो जखनिया से बेदी राम जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। अच्छा, आपने आज जनसंपर्क में कहाँ कहाँ दौरा किया? हमने जनसंपर्क में रामपुर, बुजुर्गा हूँ और इसके बाद तकीपुर, तमाम गांव में जाकर हम लोगों से जनसंपर्क किए और हमको जनता का अपार समर्थन मिला। और इसमें हम लोग कटरा गांव में, इसमें कटिया गांव में, कटिया गांव में जनसंपर्क करते वक्त आप कैसे जनता को मोटिवेट कर रहे हैं? जनसंपर्क करते हुए हमारे जनता को मोटिवेट करने का हमारा यही उद्देश्य है कि जन हम विकास के मुद्दे पर मोटिवेट कर रहे हैं। हमको विकास करना है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाने हैं, हमको घंटी घंटा नहीं बजाना है। क्या क्या योजनाएं हैं? और हमारी योजनाएं हैं कि पहली सबसे शिक्षा, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और इसके बाद रोड, सड़क और जो भी गाँव के लोगों को बेसिक समस्याएँ हैं उसको दूर करने की। क्या नाम भाई आपका? जी सरोज राजभर, प्रदेश महासचिव। जी, किस पार्टी के? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। तो आप भी जनसंपर्क में लगे हुए? जी जी, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम कम से कम 10-12 गांव में हम लोग जनसंपर्क किए। आज इस कटवा गांव में लास्ट जनसंपर्क हमारा है। अच्छा। और हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जो प्रत्याशी आए हैं, हम लोग चुनाव चिन्ह छड़ी पर वोट दिलवाकर यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जितवाने का संकल्प लिए कि यहाँ पर हमारी पार्टी जीते और सदन में माननीय बेदी राम जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए। वयोवृद्ध हमारे जो है कि सुदामा दादा जी हैं। अब हम परिचय तो नहीं बताएंगे लेकिन सभी लोग जानते हैं सुदामा दादा को। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप बताइए दादा, इसमें क्या स्थितियाँ चल रही हैं? छड़ी के छोड़ करके यहाँ मतलब कि कोई एक पार्टी का मतलब कि सदस्य छड़ी के सामने टिकने वाला नहीं जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग भी आपके साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के लोग जितनी भारतीय संकल्प मोर्चा की भागीदारी, संकल्प मोर्चे से जितना लोग मतलब कि हैं हमारे जाति पार्टी में, सब के सब अपने अपने स्थान पर लगे हुए हैं। यहाँ से छड़ी जिता करके जो कि ओम प्रकाश राजभर जी सदन में सड़क से लेकर के और सदन तक अगर यदि आवाज़ उठाने वाले गरीब का हैं तो केवल ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी, वरना कोई नहीं। यानी आप लोगों के साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ चल रहे हैं? जी हाँ, पूरे कार्यकर्ता अनिल जितना से जितना जोर लगा करके जैसे
चापत हुआ यही इतना बेजोड़ की मारत हुआ की कमर के पुल टूट जाए। ओके तोड़ा का कोशिश कर लेना कि सरकार के ये सरकार में अगर यदि देखे तो भ्रष्टाचार चोरी बेईमानी डकैती छिनैती और हर एक चीजों का असुविधा शिक्षा अरे हाई खेत में तो हाई देखा एक गोजी लेके तैयार बाटे इनकर साढ़ खा गले बा खेत 9 बीघा खेत में से अगर 2 क्विंटल अनाज पावे तो पावे तो हर चीज के निदान पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी से मुलाकात की। अखिलेश जी ने ओम प्रकाश को साथ में लेकर के यानी कि गरीबों के और शिक्षा के बेरोजगारी के पढ़ाई लिखाई और मतलब कि जो है सुविधा देने के लिए निदान करने के लिए तब तक दो ही व्यक्ति हैं अखिलेश और ओम प्रकाश। धन्यवाद।